यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9 की जो कार्य पत्रिका है रेखा और एवं कोण यानी रेखाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे आज इसके अंदर, ठीक है। आज की डेट है 8/8/2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया, विन्नी क्या तुम जो है मुझे विभिन्न प्रकार की रेखाओं के बारे में बता सकती हो, ठीक है। हाँ वीर, क्यों नहीं। रेखाएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रतिच्छेद रेखाएं और एक समांतर रेखाएं। देखो प्रतिच्छेद रेखाएं, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, एक बिंदु पर, एक अभिनिष्ठ बिंदु पर क्या करती हैं, काटती हैं। समांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे ये क्या है, ये आपकी प्रति, ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी समांतर रेखा। क्या हो जाएगी, समांतर रेखा, ठीक। और ये क्या है, ये भी है भैया प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। ये भी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। ये भी क्या हो जाएगी भाई, ये भी वही हो जाएगी प्रति। इसके बाद ये क्या है, ये है समांतर, समांतर रेखा। चलिए आते हैं, निम्नलिखित के वास्तविक जीवन के उदाहरण दें। भाई वास्तविक जीवन के आपको उदाहरण यहाँ पर देने हैं। अब देखो समांतर कौन सी हो जाएगी, रेल गाड़ी की पटरी, ठीक, रेल गाड़ी की पटरी। और यहाँ पर क्या लिख देना, ये तो ये सेकंड वाले का हो जाएगा समांतर रेखा का, है ना। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा चौराहा, चौराहा, है ना। चौराहा जो होता है सड़कों का, वो चारों ओर से जो दिशाएं आकर एक ही जगह मिलती हैं, चारों ओर से जब सड़क आकर मिलती है वो। और लंबवत कौन सी हो जाएगी, तो लंबवत जो है इसमें लिख देना, इसमें लिख देना बिजली का पोल, ठीक है, बिजली का पोल। चलिए अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।